मुस्लिम पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट का आया आदेश। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर लगी रोक। मुस्लिम पक्ष ने पत्र लिखकर दाखिल की थी याचिका। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का आज सातवां दिन है। ऐसे में सुबह से ही एएसआई टीम ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों का सर्वे कर रही है। इस बीच आज भी कल की ही तरह ज्ञानवापी के गुंबद पर एएसआई की टीम नजर आई। वहीं ज्ञानवापी मामले को लेकर खबर सामने आई थी कि सर्वे से जुड़े मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की बात कही गई थी। अब ऐसे में वाराणसी जिला अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग के 50 के करीब अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील भी साथ हैं। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र वाराणसी जिला अदालत में लगाया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने मीडिया को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के जारी एएसआई सर्वे का कवरेज करने से रोक दिया। अदालत ने सर्वे टीम के सदस्यों को किसी भी मीडिया आउटलेट से प्रतिक्रिया नहीं देने को कहा। ऐसे में अब जिला अदालत का ये आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए राहत भरी खबर है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का मीडिया को कवरेज करने से रोकने की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कहना था कि सर्वे टीम या किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें चल रही हैं। इसलिए अदालत से मांग की जाती है कि भ्रामक समाचारों को प्रसारित होने से रोकने का आदेश पारित किया जाए। बेबुनियादी खबरों का प्रसारण नहीं रोकने पर रविवार को मुस्लिम पक्ष ने जारी सर्वे के बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आरोप लगाया था कि सर्वे के दौरान शनिवार को कुछ मीडिया समूह की तरफ से मस्जिद में मूर्ति, त्रिशूल और कलश पाए जाने की झूठी खबरें प्रसारित करने पर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को भी खारिज किया जा चुका है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के बहाने परिसर में दाखिल होते हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस याचिका को लेकर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा था कि आपके पक्ष को सभी अधिकार मिले हुए हैं, आप अगर चाहते हैं कि हम गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दें या संख्या सीमित कर दें तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। हाईकोर्ट निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर भी सीधे तौर पर दखल नहीं देगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप जनहित याचिका यानी PIL को वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं होने पर हम मेरिट के आधार पर इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। जिसके बाद इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।